7 साल की उम्र में मेरे पापा रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के। मैं क्लास में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया और मैं 4 महीने पहले प्री बोर्ड में 20% मार्क्स अचीव किए थे। रोहित ने IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया। हाँ। आज मेरे सामने बैठे हैं, IIT दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। रोहित के पिताजी टैक्सी चलाते हैं और ये उनके पिताजी का संघर्ष है, उनकी दुआएं हैं कि आज बच्चा IIT दिल्ली में बैठा हुआ है। तो हमारा बैकग्राउंड, मतलब हमारा एक छोटा सा रूम है जिसमें मैं, दीदी, मेरी मम्मी और मेरे पापा, मैंने अपनी स्कूलिंग अभिनव भारती हाई स्कूल से करी है जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़नी बहुत बड़ी बात थी और मेरी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जब एक घर में एक माँ कोई एडुकेटेड होती है, मेरी मम्मी ने BA किया हुआ है, एक एडुकेटेड अगर मम्मी रहती है तो वो घर परिवार को पढ़ा देते हैं वो। तो मैंने और मेरी दीदी ने दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से की, वरना हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते। और इंडिया में तो ये चलन है कि मतलब आप स्कूलिंग आपको प्राइवेट चाहिए और कॉलेज आपको गवर्नमेंट चाहिए, ये चलता रहता है इंडिया में। तो हमने वहाँ की, और अगर मैं उस स्कूल में कभी पढ़ता नहीं तो मेरे को ये IIT JEE का सपना नहीं आता, ना ही मैं कभी इस सपने के लिए फाइट बैक करता। मैंने JEE मेन सेशन 1 में आपको बोला था कि 83% स्कोर की थी जो कि मतलब समथिंग इक्विवेलेंट टू 180,000 रैंक बैठती। फिर सेशन 2 में मैंने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर किया था और एडवांस में भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करके आज IIT दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट का मैं 2022 का रैंक ओपनर था। तथा मैंने IIT JEE के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ IIT JEE एडवांस, मैं सबसे बेस्ट अपनी कैटेगरी से रैंक लेके ओपन किया था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और मैं 4 महीने पहले प्री बोर्ड में 20% मार्क्स अचीव किए थे मैथ्स में। तो मैं जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था 4 महीने पहले, उसी सब्जेक्ट में मैंने रैंक ओपन की थी। मेरे कहानी के 2 मुख्य किरदार है, एक मेरी माताजी और एक मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ने बचपन से संघर्ष किया है, वो क्लास थ्री तक पढ़े हैं वो, और वो बचपन में जैसे 7 साल की उम्र से वो पैसे कमा रहे हैं ताकि वो अपने भाइयों को सपोर्ट कर सके पहले। फिर 7 साल, 7 साल की उम्र से, हाँ 7 साल की उम्र में मेरे पापा रेलवे स्टेशन में खीरे बेचा करते थे नमक लगा के। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ, जो मेरे दादाजी है, उनके साथ एक पान की शॉप खोली और फिर उससे भी नहीं बढ़ा, मतलब इनकम उतनी नहीं हुई तो बस कंडक्टर बने। बहुत कम उम्र में, 13-14 साल की उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बस कंडक्टर बन के उन्होंने देख देख के गाड़ी चलाना सीखा। मतलब उनके पास वो कोई फॉर्मल वो नहीं थी कि वो सीख सके, उन्होंने खुद का फिर एक टैक्सी खरीदा। और जब मेरी दीदी पैदा हुई थी तो मेरे घर में छत नहीं थी, जब तक मैं पैदा हुआ तब तक एक छोटा सा रूम था, एक छोटा सा ही रूम था और वो रूम मेरे हॉस्टल के रूम के इक्विवेलेंट है। जैसे बचपन में मम्मी डांट दिया करती थी कि रोना बंद कर, जैसे कोई चीज़ में मैं रोता था तो रोना बंद कर वरना और मारूंगी। तो बड़े होते होते अगर आज मेरे को कोई 10 थप्पड़ भी मार दे तो आँखों से आंसू नहीं निकलते, इतना कुछ झेल चुका मैं अपने लाइफ टाइम में। और एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास बच्चे का सपने बहुत बड़े रहते हैं, मतलब उनको अचीव बहुत कुछ करना रहता है और उसके इक्विवेलेंट वो मेहनत नहीं करते। मतलब एक्चुअली जब 10th हुआ था, 10th में मेरे 89% थे समथिंग, मैं क्लास में कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया और इसका ताना मम्मी आज तक देती है मेरे को।